everyone, how are you all? So I was getting ready because I was having a meeting with my bride. So I thought ki ek to waise hi mausam itna kharab hua hua hai, weather change ho gaya ekdum se, rain barish ho rahi hai aur सुबह स्किन वियर्ड रिएक्ट कर रही है, हम सबकी हो रही है, इट्स टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सो आई एम यूजिंग टुडे मिनिमल मेकअप. आई एम यूजिंग एगेटिक की बीबी क्रीम एंड द शेड इज मीडियम. सो आई एम जस्ट टेकिंग अप्लाइंग फ्यू ड्रॉप्स हियर एंड जस्ट इट गिव्स अ नाइस टिन कवरेज, लाइक कि ऐसे लगता है कि हमने कोई फाउंडेशन लगाई है. यू कैन सी हाउ इट लुक्स. Wow, you can see how it gives a nice coverage also. You can see the difference, guys, this and this. This is without the BB cream and this is with the coverage. Abhi main beauty blender se bhi blend karungi. So, just a nice tint aa jata hai. And also, this is anti-pollution and it has SPF 25++. So, benefit bhi hai. So, is weather ke liye to ye perfect hai for our skin. So I'm just blending it all over my face. आप देख रहे हो एक फ्लॉलेस सा इफेक्ट आ गया फेस पे. So I'm just blending it with the beauty blender. और बहुत मिनिमल मेकअप हो गया है. So for this season I was highly recommend this BB cream. बिकॉज हमें और कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्किन बहुत वियर्ड सी हो रही है और हमारा बहुत ज़्यादा वेदर चेंज है, ह्यूमिडिटी हो रही है, एकदम से रेन हो रही है. तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो. सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग वन प्रोडक्ट विच आई रियली लव. इसका लिप एंड चीक टिंट है. सो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक रोज पेटल एंड इसका मैंने बस थोड़ा सा लिया है, ब्रश पे ही लिया है. And you know how much I just love this technique doing this. And its flavor बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है. Also this I'll be using on my lips. If you want, you can apply here also, but not needed. इतना ही टेंट बहुत है, कुछ नेचुरल लुक देना है, ओवर करना ही नहीं है मुझे. बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आया हुआ है फेस पे, आप देख सकते हो. इट्स लुकिंग वेरी नाइस. एंड द ब्रश विच आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश LP308. दिस ब्रश कैन बी यूज फॉर योर ब्लश ऑल्सो एंड फॉर योर कंटोर ऑल्सो. सो येस डन. बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आया हुआ है फेस पे, आप देख सकते हो. इट्स लुकिंग वेरी नाइस. एंड द ब्रश विच आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश LP308. दिस ब्रश कैन बी यूज फॉर योर ब्लश ऑल्सो एंड फॉर योर कंटोर ऑल्सो. सो येस डन. ओके सो नेक्स्ट आई बी यूजिंग एगेटिक का काजल. सो फर्स्ट थिंग आई लव द पैकेजिंग. इसी में ब्रश है, अगर आपको ट्रैवल के लिए करना है तो यू कैन यूज इट. सो इसका ये देखिए, ऊपर एक ब्राउन कलर का है टिंट एंड हियर इट इज अ ब्लैक वन. वाओ, अच्छा है ना, दोनों शेड भी हो रहे हैं. एंड यू नो वी नीड लाइक हमें कैसे काजल यूज करने होते हैं, कभी हमें आई शेडो में भी लगा लेते हैं हम कभी. So I'm using this brown for my eyes. Okay, चलो आईज पे ही करते हैं. और आईब्रोज में भी हम यही करते हैं आज, पर आईब्रोज के लिए मैं ब्रश दूसरा लूँगी बिकॉज आई कैन गिव अ नाइस ब्राउन. वाओ, आई जस्ट लव इट. मैंने नीचे लगा लिया है ब्राउन और हम इसका थोड़ा सा इनोवेट करते हैं. सो आई यूज़ अ ब्लैक ऑल्सो for my lower lash line. Wow, I
मैं नॉर्मली जब ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ तो आई यूजली पुट काजल एंड यू आर डन विथ इट. नाइस, आई जस्ट लव इट. सो नाउ विथ दिस ब्राउन काजल आई एम डूइंग माई आईब्रोज. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. Spooling and this brush, I am just loving it. This is from London Pride. So next I'm using the same brown eyeshadow and I'm using a different brush and I'm doing the eyebrows because mujhe eyes aur eyebrows mein same cheez use karna nahi acha laga, so I just changed the brush. Wow, aap dekh rahe ho effect acha aa raha hai and isko spoolay se I'm just बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आ रहा है. इट्स गुड, यू कैन यूज इट गाइज, ट्रस्ट मी यू कैन यूज इट. नाइस, आई एम जस्ट लविंग इट. चलो मैं जल्दी से मस्कारा लगा के आती हूँ एंड आई एम यूजिंग द ब्रश इज फ्रॉम लंडन प्राइम एंड द नंबर इज LP313 एंड आई एम जस्ट लविंग द ब्रश. मुझे बहुत मुश्किल से कोई ब्रशेज पसंद आते हैं आईब्रो के लिए स्पेशली, बट दिस वन 100 out of 100. Okay, so now I'm doing the mascara. I'm using Forever 52 का XL mascara.